मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज के दिन की तैयारी होगी। 20 स्टॉक्स आपको शो में बताए जाएंगे जो इंट्रा डे में ही आपके पोर्टफोलियो में जमकर कमाई करा सकते हैं। और रजत मेरे साथ कम्पीट कर रहे हैं संदीप। मैं पहले ही पूछूंगा आपसे, IMF ने इस बार ग्रोथ फोरकास्ट फिर से घटा दी, और जब से रेटिंग एजेंसीज या फिर इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो अपना ग्रोथ आउटलुक घटा रही है ना इंडिया में, मार्केट पर खरीदारी बढ़ती जा रही है। ऐसे हमें तो आदत है ये सुनने की, क्योंकि 4-5 ऐसी एजेंसीज या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने भारत का तो GDP ग्रोथ अनुमानों से कट किया है, तो अगर ग्लोबली ग्रोथ का अनुमान कम हो रहा है तो हमारे लिए तो ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जिस तरह के नंबर से जूझ रहे हैं GDP ग्रोथ के लेके, 3 साल में सबसे कम GDP ग्रोथ है, उसके बावजूद अगर मार्केट चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नंबर इग्नोर। बुरे वक्त में खरीदारी बढ़ती है वैसे, इनफैक्ट मार्केट हर लो लेवल्स पे देखिए, हर डिप्स पे खरीदारी हो रही है, क्योंकि कैश बहुत है मार्केट में, पैसा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। मैं कल ही पढ़ रहा था 2 IPO जो बंद हुए हैं, मैथ्स फाइनेंशियल और गोदरेज एग्रोवेट, उनमें करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के आसपास की जो लिक्विडिटी है, जो पैसा वो फंसा हुआ है, उसमें से वापस आएंगे, रिफंड आएंगे जाहिर सी बात है, लेकिन देखिए इतना बड़ा पैसा अगर लगा हुआ है तो आप समझिए कि लिक्विडिटी किस तरह की, और सब्सक्रिप्शन फिगर्स जिस तरीके की आती हैं, बम्पर रिस्पांस मिलता है IPO जो भी हो। आज तो GIC का IPO खुल रहा है, वो भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ग्लोबल क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आज इंडियन मार्केट्स को? बिल्कुल, एशियन मार्केट में पॉजिटिव कारोबार हो रहा है, और इनफैक्ट निके की शुरुआत नेगेटिव हुई थी, अब लोअर लेवल से वहाँ पर भी रिकवरी हो रही है, एसएक्स निफ्टी पॉजिटिव कारोबार कर रहा है, और कल US के मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई थी वो भी फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पे हुई। वॉलमार्ट एक कंपनी है, बड़ी रिटेल जायंट है, उन्होंने $2,000 करोड़ के बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, वो एक फैक्टर था जो कि मार्केट्स को रूल कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अर्निंग्स आने वाले US के मार्केट्स में, और आज FOMC बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे, तो उससे पहले 1/4% के आसपास की गेंद थे, और डाउ जोन्स S&P दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पे फिर से बंद हुए, तो उसका जो इम्पैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट्स में पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10,000 का जो लेवल हमने कॉन्कर किया हुआ है निफ्टी पे, उसमें आज और भी जो कुछ मोमेंटम है शायद गेन करता हुआ दिखे। चलिए लेकिन फटाफट से आपको कुछ स्टॉक्स बता देते हैं, रीकैप है ये जो कल आपको बाजार शुरू होने से पहले बताए गए थे स्टॉक्स, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, उसमें चुनिंदा ट्रेड्स वोल्टाम ट्रांस, इस स्टॉक ने शुरुआती सत्र में ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, और इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी तेजी बनी थी शुरुआती सत्र में, ऊपरी सौ पर फिर दबाव बन गया, लेकिन 12.32 का लक्ष्य था उसको हासिल किया। इसके अलावा नोसिल 3.5% से ज्यादा के रिटर्न, और एक केमिकल स्टॉक्स लगातार पकड़ मजबूत कर रहे हैं मार्केट पे, अभी भी यहाँ पर तेजी हो सकता है कि जारी रहे, 172 का टारगेट था हासिल किया। HSIL ये था मूव, 10% की तेजी के साथ इसमें दिन के उच्चतम स्तर का की क्लोजिंग आती हुई नजर आई, 430 का टारगेट था, इंट्राडे बेसिस पे बहुत आउट परफॉर्म कर गया उस टारगेट को। MM फोर्जिंग रिकॉर्ड स्टॉक जहां पर 795 के टारगेट दिए गए थे, आमतौर पर वॉल्यूम थिन रहते हैं स्टॉक में। मधुकॉन प्रोजेक्ट रिकॉर्ड स्टॉक, यहां पर भी 2950 का टारगेट था, उसके करीब ही यहां पर जाता हुआ नजर आया, तो अच्छी तेजी थी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में केमिकल से जुड़ी कंपनियों में। पटेल इंटीग्रेटेड 10% की तेजी बतौर सुपरहिट शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था, 76 का टारगेट था, उसको कंप्लीटली उसके ऊपर जाके 81 के लेवल के भी ऊपर जाके बंद हुआ। SHKL का, ये संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था, 6% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। तो मूव्स देखिए और आप नोट कीजिए, छोटे मझौले शेयर ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, वो जीवन पेन इस स्टॉक पे भी टारगेट हिट होता हुआ नजर आया, टारगेट को ओवरशूट कर गया ये स्टॉक। साथ ही साथ डॉल्फिन ऑफशोर यहां पर भी टारगेट के आसपास यहां पर स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। और एक और स्टॉक मैं आपको बता दूं, वो है TI फाइनेंस। संदीप ने बोला था कि स्टॉक में आमतौर पर चर्चा नहीं होती, लेकिन जिस तरह की खबर थी सर्किट फिल्टर्स में रिवीजन हुई थी, उसका इंपैक्ट शुरुआती ट्रेड में TI फाइनेंस पे पड़ता हुआ नजर आया। आज की शुरुआत तेजी के सौदे के साथ ही की जाए तो बेहतर रहेगा, इंपैक्ट मार्केट्स आज भी तेजी लग रहे हैं, 1/4% के आसपास से गेंद हैं एसजीएक्स निफ्टी में। बिल्कुल, आज तेजी के ट्रेड ज्यादा होने चाहिए, इनफैक्ट मैंने 10 के 10 ट्रेड जो है आपको खरीदारी के बताऊंगा, और कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे आज मेरी नजर है। एक तो ब्रोकिंग स्टॉक्स, उनमें कहीं ना कहीं तेजी रह सकती है, साथ ही साथ चीनी या इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज, और एक सेक्टर ऐसा है जिसमें मैं पहले भी बातचीत कर रहा हूँ, वो है पैकेजिंग का। ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कल हमने मूव आना शुरू हुआ है, अब मुझे लगता है कि वो सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल, पहला स्टॉक है ब्रोकिंग स्पेस से जहाँ मुझे लगता है कि आज अच्छा खासा तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। देखिए ब्रोकिंग शेयरों में खरीदारी का रुझान है, कल भी हमने देखा था JM फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में एक बड़ा अप मूव बनता हुआ दिखा था, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो दरअसल इस वजह से हो रहा है वो, क्योंकि मार्केट्स आप देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। हमने इस सीरीज की शुरुआत 9800 के आसपास करी थी, 200 पॉइंट के आसपास ही गेंस हो चुके हैं, और इनफैक्ट उससे कम अब जो कॉन्कर करना है हमें रिकॉर्ड हाई पे पहुंचने के लिए। तो दिवाली से पहले अगर आप देखें, एक तो मांग काफ़ी मजबूत है और मार्केट्स में भी देखिए जो रुझान है वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो ये ब्रोकिंग शेयरों के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो मोतीलाल ओसवाल में लगता है कल जो 3% के आसपास का अपमूव बना था, आज फिर से सस्टेन होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट जो पूरा स्पेस है उसमें ही आज जो खरीदारी का इंटरेस्ट है। एक पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूं ब्रोकिंग शेयर्स पे, MCX पर गोल्ड ऑप्शंस शुरू होने जा रही है, और ऑप्शंस एक्टिविटी
कॉमोडिटी में भी शुरू होती है तब भी ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, टर्नओवर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके कारण एकदम से जेएम फाइनेंशियल दिन के उच्चतम स्तर पे मोतीलाल ओसवाल एडलवाइस जैसे स्टॉक्स थे वो कल हरकत में आ गए थे, तो हो सकता है ब्रोकिंग हाउसेस की तेजी इस कारण से, जो भी कमोडिटी ब्रोकिंग से जुड़े हुए हैं उनमें जरूर इसका जो एक्शन है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल में आज 1542 का टारगेट प्राइस होगा और 1483 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और इसी के साथ साथ जियो जीत पर भी आप नजर रख के चलें, यहाँ पे भी अगर आप देखें जो इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट्स में, तेजी आ रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। जियो जीत बीएनपी में आज के लिए मुझे लगता है कि 150 रुपये तक की जो चाल है वो आसानी से देखने को मिल सकती है, 141 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है तो ब्रोकिंग शेयरों के जो वॉल्यूम जिस तरह से बढ़ रहे हैं बाजार में उसमें इनका जो अर्निंग्स सपोर्ट है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। उस वजह से मुझे लगता है कि आज ब्रोकिंग स्पेस में ऑल टुगेदर चाहे आप जेएम फाइनेंशियल आईएफएल बीएनपी जियो जीत बीएनपी की बात कीजिए या तो फिर मोतीलाल की बात कीजिए, इन तमाम स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिलेगी। एडलवाइज मैंने छोड़ दिया रजत, आपकी लिस्ट में होगा? होगा मेरी लिस्ट में लेकिन बाद में होगा, पहले सिकाल लॉजिस्टिक्स जिसमें आप आज नजर रखें। और वैसे भी लॉजिस्टिक्स शेयर्स अट्रैक्टिव रिटर्न दे रहे हैं, ये स्टॉक अभी तक चला नहीं, इसमें आज खबर का असर हो सकता है। सिकाल आयरन ओर जो कि इनकी एक इकाई है उसमें हिस्सेदारी खरीदने को सैद्धांतिक मंजूरी बोर्ड ने दे दी है, 26% हिस्सा जो है वो एमएमटीसी के पास अभी है, उसको खरीदेगी सिकाल लॉजिस्टिक्स, एक पॉजिटिव खबर है। और आज 212 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं, 202 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। मैं फिर बोलूंगा बहुत स्लो मूवर है ये, अभी तक लॉजिस्टिक्स स्पेस को अंडर परफॉर्म कर रहा है, आज तेजी बन सकती है, 212 का लक्ष्य और 202 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसके अलावा एक और एक्साइटिंग प्ले हो सकता है, स्मॉल कैप स्टॉक है हरक्यूल्स पोस्ट, जिसमें हो सकता है लोअर लेवल से खरीदारी बने। कल के सत्र में भी 3% के आसपास के दमदार रिटर्न्स दे रहा था ये स्टॉक, 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे, तमाम एवरेजेस के ऊपर आया और 69.5% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, कोई भी हिस्सा गिरवी है नहीं। हरक्यूल्स होश रात चला तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 153, स्टॉप लॉस 146, कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको लगाकर चलना है। चलिए अब अर्निंग्स पे भी फोकस करना होगा क्योंकि अब बाजार के लिए जो अगला ट्रिगर है वो दरअसल नतीजे ही हैं। कल जेएम ब्रेवरीज के बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, देखिए कल 1% के आसपास की कमजोरी थी लेकिन इससे पहले देखिए अच्छा रन अप इस काउंटर में देखने को मिला था। जनरली हम देखते हैं कि इसके जो नंबर्स आने वाले होते हैं सबसे पहले ये नंबर्स देता है, ये कंपनी देती है और उस लिहाज से देखा जाए पहले इसमें आपको देखने को मिलता है। लेकिन कल देखिए इन एंटिसिपेशन कि पिछली बार जहां नंबर्स खराब आए थे इस स्टॉक में कल ऊपरी तरह से मुनाफा उतनी देखने को मिली थी, 1% के आसपास की कमजोरी थी लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, 45.5% इस कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ा है, 11.1 करोड़ से 15.7 करोड़ रुपये के जो नंबर्स हैं वो मुनाफे के फ्रंट पे इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो जिस तरह की अर्निंग्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की है इनफैक्ट अगर आप सीक्वेंशली कंपेयर करें तो मुनाफा आपको 50% ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल देखा जाए ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें चाहे सीक्वेंशली कंपेयर करें जिस तरह से मुनाफे की ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है, आज मुझे लगता है कि अगर 10-12% तक का मूव भी देखने को मिले तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। एक 580 का इनिशियल टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, स्टॉप लॉस रखें 558 रुपये का। इसके साथ साथ पैकेजिंग क्षेत्र से मोलटेक पैकेजिंग, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जो पैकेजिंग क्षेत्र की कंपनियाँ हैं इनमें अब जो एक्शन है वो बिल्टअप होना शुरू हो रहा है। देखिए जीएसटी इस पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो राहत दी गई थी सरकार की ओर से इन कंपनियों को कि आप पुराने सामान पे जो नई एमआरपी है उसे लगा के अपना जो सामान है अपनी जो इन्वेंट्री से उन्हें क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये जो छूट है वो केवल सितंबर एंड तक की थी, 1 अक्टूबर से ये जो छूट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो नए जो पैकेजिंग या तो फिर जो नई पैकिंग के साथ अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन कंपनियों को उतारने होंगे। तो जितनी भी पैकेजिंग क्षेत्र की कंपनियाँ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डिमांड बूस्टर है क्योंकि जो पैकेजिंग के नियम है वो 1 अक्टूबर से बदल गए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अब बाजार धीरे धीरे डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। मोलटेक पैकेजिंग एक नाम है जो कि मुझे इस पूरे स्पेस में पसंद आ रहा है, कल भी करीब 3% के आसपास का आपको था, आज हो सकता है खरीदारी बढ़ी तो 311 तक की जो चाल है वो देखने को मिले, 299 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉक शुगर स्पेस बहुत अट्रैक्टिव था कल, जो सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही थी किसी स्पेस में तो वो थे चीनी स्टॉक्स। खबर यहां पर ये निकल आई कि एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है, 2 रुपये प्रति लीटर एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने का प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव सीसीईए को भेज दिया गया है। एक बड़ी खबर शुगर इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट डाल सकती है। कल आप तमाम स्टॉक्स देखिए चीनी से जुड़े हुए वो दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही बंद होते हुए नजर आए, तो हो सकता है आज कंटिन्यू जो बाइंग है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आए। केसीपी शुगर इसी स्पेस में आज का जो टारगेट रहेगा वो 30-30.50 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, साथ ही साथ 29-20 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉक पे फॉलो करना होगा। और धरानी शुगर को भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं इसी खबर के चलते कि एथेनॉल की कीमतों में रिवीजन हो सकती है, 2 रुपये प्रति लीटर ये क्वांटम रखा गया कि हो सकता है कि इस पे फैसला जल्द आता हुआ नजर आए। धरानी शुगर आज चला तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 32.50 का, स्टॉप लॉस 30.40 के आसपास आपको लगाना होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज भी फेवर में, तेजी तभी बनाए जब कल की क्लोजिंग के ऊपर ये शुगर स्टॉक्स में वो चलना शुरू कर दें। चलिए तो 8 शेयर आपको बता दिए गए हैं, सभी ट्रेड्स खरीदारी के हैं, बजट ने आपको कुछ शुगर स्टॉक्स भी बताए हैं लेकिन अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की।
रजत, आपने शुगर स्टॉक्स की बात करी, एक इसी स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज। प्योर प्ले शुगर तो नहीं है, लेकिन हाँ शुगर जो सेटअप किया जाता है, अगर प्लांट्स लगते हैं तो उनको सेटअप करने में ये कंपनी मदद करती है। और इनफैक्ट इस बार हम सुन रहे हैं कि ये जो शुगर ईयर है, इस बार जो प्रोडक्शन शुरू हो रहा है शुगर का, वो यूपी में शायद रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो सकता है। 14.5% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिल सकती है। तो वो दरअसल प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि शुगर की डिमांड बढ़ेगी या शुगर एज अ होल अगर आप देखें इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो इनके जो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मेंटेनेंस से कमाई आती है इनकी रखरखाव से, उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि इथेनॉल की कीमतों में इजाफा होगा, उसकी तो ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। 2 रुपये प्रति लीटर के आसपास का इजाफा हो सकता है, जिसका प्रस्ताव ऑलरेडी CCEA को भेजा जा चुका है। आज भी एक बैठक है, हो सकता है इसी बैठक में फैसला आए, या तो फिर अगली बैठक में इसको लेकर जो फैसला है वो लिया जा सकता है CCEA की बैठक में। ये प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। कल भी अगर आप देखें, शायद बाजार इस चीज़ को डिस्काउंट कर रहा था, 7-7.5% के आसपास का आउटकम था। आज मुझे लगता है कि तेज़ी बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि इथेनॉल की कीमतों के साथ साथ जिस तरह से शुगर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो सकता है यूपी में, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है प्राज इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स हैं वो शुगर कंपनीज के ऊपर ज़्यादा करके डिपेंड करती है। आज के लिए टारगेट होगा 77.30 रुपये का, 69.60 ये आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। रेडार पर है NRB बियरिंग, जिसमें खरीदारी बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट भी है स्टॉक पे, जिसमें वो फेयर वैल्यू समझ रहे हैं स्टॉक की 160। देखिए, 2 महीने से एक रेंज में कामकाज कर रहा था, उसका ब्रेकआउट कल के सत्र में आता हुआ नजर आया और दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही बंद हुआ है। ये स्टॉक यहाँ से चल सकता है ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट के हिसाब से, जो ऑटो उपकरण सेगमेंट पे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो NRB बियरिंग पोस्ट कर सकता है। और FY19 का EPS जो है वो लगभग 7.3 का वो अनुमान करके चल रहे हैं कि स्टॉक में डिलीवर होगा। एक पॉजिटिव रिपोर्ट ICICI डायरेक्ट की, फेयर वैल्यू 160, लेकिन आज के दिन के लिए अगर आप टारगेट्स पकड़ के चलें तो 134 से 135 तक के देखने को मिल सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें अगर आप पोजिशन बेसिस पे स्टॉक को रखना चाहते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए 126 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 134 का लगाना। चलिए जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं, इसमें पहला नाम था मोतीलाल ओसवाल का। इनफैक्ट 2 ब्रोकिंग स्टॉक्स को मैंने चुना था, मोतीलाल ओसवाल और जियो, इन दोनों पे आप नजर रख के चलें। कल JM फाइनेंशियल में बड़ा अपमूव था, आज हो सकता है फिर से ब्रोकिंग शेयर्स लाइमलाइट में रहे। मोतीलाल ओसवाल में 1542, जियोदीत में 150 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। GM ब्रेवरीज के नंबर अच्छे आए हैं, 45.5% मुनाफा बढ़ा है आज, 580 रुपये का टारगेट प्राइस, 558 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। मोलटेक पैकेजिंग, पूरे पैकेजिंग क्षेत्र पे आप नजर रख सकते हैं, GST एक बहुत बड़ा ट्रिगर है इस पूरे स्पेस के लिए, आज 311 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और प्राज इंडस्ट्रीज, इथेनॉल की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ सकती हैं ऐसी खबरें हैं, 77.30 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 69.60 का। सिकार लॉजिस्टिक्स पहला शेयर है मेरे पोर्टफोलियो में, 212 का लक्ष्य है, 202 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। हरक्यूज हो सा चला तो 153 तक पहुंच सकते हैं, 146 का स्टॉप लॉस। शुगर स्टॉक अट्रैक्टिव थे कल मार्केट पे, सबसे ज्यादा डिलीवर कर रहे थे ये स्टॉक्स। आज भी KCP शुगर, धरानी शुगर जैसे स्टॉक्स जो है वो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं। बतौर EPS शेयर NRB बियरिंग्स मैंने शामिल किया, ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट है जिसके आधार पर फेयर वैल्यू 160, लेकिन आज इंट्राडे के लिए अगर खरीदते हैं तो 134 से 135 का टारगेट रहेगा और 126 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना। 10 ट्रेड्स आपको शुरुआती सत्र के ब्रेक से पहले बताया गया, जिसमें तमाम खरीदारी के सौदे थे। आगे भी पोर्टफोलियो में खरीदारी के सौदे होंगे, जिसमें पहला मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है चंबल फर्टिलाइजर, जिस पर नजर रखी जा सकती है। देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स कल एक्टिव थे और यहाँ पर तमाम एवरेजेस जो हैं, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया है ये स्टॉक। 2 स्टॉक्स प्रोमिनेंटली, एक तो चंबल और दूसरा RCF, दोनों पर नजर रखी जा सकती है आज के सत्र में। बढ़िया स्ट्रक्चर है, आज के लिए आप 154 का लक्ष्य लेकर चले और 147 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको चंबल फर्टिलाइजर पे लगाकर चलना है। एक स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, देखिए इस हफ्ते दूसरी बार ये इस शो में रिकमेंड हो रहा है और कल के सत्र में हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, इससे पहले वाले सत्र में बहुत स्मार्टली गेन कर रहा था, तो हो सकता है कि आज के सत्र में फिर से एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ नजर आया। और मुद्दा ये है कि जो छोटी IT कंपनियां हैं, छोटी मझौले IT स्टॉक्स, वहां पर तगड़े रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आज के लिए 47.50 का लक्ष्य लेकर चल सकते हैं। डिक्सन टेक एक स्टॉक है जिस पे आप नजर रख के चले। देखिए, फेस्टिव डिमांड तो मजबूत है ही है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिलता है, क्योंकि LG, पैनासोनिक, सोनी जैसी जो कंपनियां हैं उसके साथ ऑलरेडी इस कंपनी का करार है, जिनको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और बाद में वो आगे उसकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन अब दरअसल खबर ये आ रही है कि शायद ये अब ई कॉमर्स कारोबार में भी उतरती हुई दिखेगी। फ्लिपकार्ट के साथ इस कंपनी ने करार किया है, जिसमें डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई को लेकर जो करार है वो किया गया है, तो ये हो सकता है कि एक नई तेजी इस काउंटर के लिए लेके आए। 3000 के आसपास के हाई इस काउंटर ने छुए थे, वहां से अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। आज मुझे लगता है ये जो करार किया गया फ्लिपकार्ट के साथ, उस वजह से जो तेजी है इस काउंटर में देखने को मिलेगी। जो टारगेट होगा आज के लिए 2713 रुपये का होगा, स्टॉप लॉस रखें 2633 के आसपास का। कोचिन शिपयार्ड कल लास्ट आरओ ट्रेड में काफी एक्टिव था, इंडियन नेवी से इनको 5400 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर हाथ लगा था, उसके बाद हमने जो बाइंग इंटरेस्ट है वो बनता हुआ देखा था। और आज इनफैक्ट एक ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट करी।
रही है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो काफ़ी ऊपर के हैं। उनका मानना है कि स्टॉक में जो टारगेट प्राइस है वो 725 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मौजूदा लेवल से करीब करीब 150 रुपये के आसपास की जो अपसाइड है और देखने को मिल सकती है। आज मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के दम पे और कल के जो ऑर्डर का इम्पैक्ट था उसका मोमेंटम आज भी कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 590-595 तक के जो टारगेट्स हैं वो काउंटर टेस्ट कर सकता है। 567 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाएं कोचिन शिपयार्ड में, जो कल मोमेंटम शुरू हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आज के लिए। ओरिएंट एग्रेसिव होगा अगला शेयर जहां पर तेजी बढ़ सकती है। कल 8% के रिटर्न स्टॉक में डिलीवर हुए थे लेकिन बहुत समय बाद इतने स्टॉक में रिटर्न पर 10% की क्लोजिंग है दिन के उच्चतम स्तर की। और ये भी बता दूं आपको कि क्वार्टर वन में तिमाही दर तिमाही आधार पर घाटे से मुनाफे में कंपनी लौटी थी। तिमाही नतीजों से पहले इस बार फिर ये शेयर चल पड़ा है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 39.5 का लेकर चलें और 36-36.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको आज के सत्र के लिए लगाकर चलना होगा। एक है एडलवाइस ब्रोकिंग हाउसेज के शेयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आज फिर से तेजी में रह सकते हैं। मुद्दा ये है कि टर्नओवर बढ़ सकता है जैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट पे शुरू हो जाएगी। तब 17 अक्टूबर ये तारीख रखी गई है कि M6 पर गोल्ड ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद कुछ अन्य कैटेगरीज भी हैं जो M6 के रडार पर है जहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। एडलवाइस जियोजेट जैसे स्टॉक्स जो हैं वो आज फिर से लाइमलाइट पर रहेंगे। जेएम फाइनेंशियल कल तगड़े रिटर्न दे रहा था। एडलवाइस पे आज आप खरीदारी करते हैं तो 284 ये आज के दिन का टारगेट रहेगा और 272 का एक स्टॉप लॉस आपको आज के दिन के लिए लगाकर चलना है। वैसे अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में आपका फेवरेट सेक्टर है ऑटो एंसिलरी उस स्पेस की कंपनी है लूमेक्स इंडस्ट्रीज। कल भी काफी एक्टिव था। इनफैक्ट कल जो डिटेल्स आई हैं उसमें अगर आप ब्लॉक डील का डेटा देखें तो एक बाजार के फेमस इन्वेस्टर हैं आशीष कचोलिया, उन्होंने इस कंपनी के करीब करीब 63,000 शेयर खरीदे हैं। करीब 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी उनकी ओर से खरीदी गई है 1395 रुपये प्रति शेयर के आसपास। और वहाँ से भी देखिए करीब करीब 50 रुपये के आसपास की और अपसाइड लेके ये काउंटर बंद हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बड़े निवेशक इन लेवल्स के आसपास भी खरीदारी कर रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि शायद यहाँ से जो अपसाइड है या तो फिर जो फंडामेंटली जो सुधार है कंपनी में वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आज लूमेक्स इंडस्ट्रीज में कल की जो तेज़ी है वो फिर से बढ़ती हुई दिख सकती है। 1490 तक की चाल इस काउंटर में आज देखने को मिल सकती है। इसको टारगेट सेट करके खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रखें 1445 रुपये के आसपास का। इसके साथ साथ शुगर स्पेस से धामपुर शुगर, देखिए एथेनॉल की कीमतें बढ़ेंगी 2 रुपये प्रति लीटर, वो तो एक खबर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे चीनी स्पेस के लिए और खासतौर पे जो यूपी बेस्ड चीनी कंपनियां हैं उनके लिए इस बार रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। इनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, इनके अगर सेल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो बॉटम लाइन है उसमें भी पॉजिटिव साइड पर रिफ्लेक्शन साफ तौर पर देखने को मिलेगा। फेस्टिव डिमांड ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे इस कंपनी को लेकर लग रही है, मैं इनके एक इंटरव्यू मैनेजमेंट का पढ़ रहा था जिसमें उनका कहना था 300 करोड़ रुपए का कर्ज था वो घटकर 76 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और बहुत जल्द वो कह रहे हैं कि हम डेट फ्री हो जाएंगे। ये जो डेट फ्री स्टेटस है ना, मुझे लगता है रजत ये स्टॉक के लिए यहाँ से भी अच्छी खासी रीरेटिंग करके ले जाएगा। मुझे लगता है आज 311 तक की जो चाल है वो बहुत आसानी से देखने को मिलेगी। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखे फर्दर अपसाइड के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 300 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। चलिए लेकिन एक स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकता है आज के सुपरहिट शेयर्स देख लेते हैं। पेपर पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियां जो वो बाजार पे बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रही हैं, उसमें ही होतुमा की पीपीएल जिसको पहले पेपर प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जा रहा था, इस कंपनी पे आप नजर रख के चल सकते हैं। देखिए अभी तक डिलीवर नहीं किया लेकिन लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है अब ये स्टॉक। मुद्दा यही है छोटे मझौले शेयर्स पे एक तो खरीदारी बढ़ रही है, ऊपर से पेपर पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियां बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रही हैं। जीएसटी लागू होना पैकेजिंग कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। शेयर में 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम लगभग 70% के आसपास के हैं तो ये वॉल्यूम बेस्ड खरीदारी डिलीवरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऊपर से इस कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं और लगभग इंडिया थाईलैंड यूएई वियतनाम यूरोपीय बाजारों पे काफ़ी तगड़ी पकड़ है इस कंपनी की। आज खरीदते हैं तो 230 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 246 तक के देखने को मिल सकते हैं। चीनी स्पेस से ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक और ऐसा स्टॉक है जिस पे आज आप नजर रख के चले। इथेनॉल की कीमतें 2 रुपये बढ़ सकती हैं। फिलहाल अगर आप देखें 39 रुपीज़ प्रति लीटर के आसपास की प्राइसिंग है, वो बढ़कर 41 या तो फिर 42 रुपये प्रति लीटर तक जा सकती है। सीसीए को ऑलरेडी इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है और मंजूरी जो है हो सकता है इस बैठक या तो फिर अगली बैठक में आती हुई दिखी और अगले साल से पहले इसे लागू करना है ऐसा सरकार का टारगेट है। ये पूरे चीनी स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। आज के लिए मुझे लगता है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग में जो टारगेट प्राइस होगा 109.20 रुपये का होगा, 98.30 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पूरी चीनी स्टॉक्स में अगर आप देखें कल से ही जो मोमेंटम है वो बेहद स्ट्रांग है। इस काउंटर में भी कल 7% के आसपास की गेन से आज मोमेंटम जो है वो शायद कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन जल्दी से एक रीकैप देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपके सामने रखे गए थे। सभी ट्रेड्स खरीदारी के ही थे।
पहला स्टॉक जो मैंने आपके सामने रखा था वो ब्रोकिंग स्पेस से था, मोतीलाल ओसवाल में खरीदारी करें, कल जेएम फाइनेंशियल में बड़ा अपमूव था, आज भी हो सकता है जो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर खबरें आ रही हैं वो शुरू हो सकती हैं, गोल्ड में ऑप्शन शुरू हो सकते हैं वो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। मोतीलाल ओसवाल में आज के लिए 1542 रुपये का टारगेट प्राइस, जियोजीत में ये ट्रिगर है 150 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। इसके अलावा जीएम ब्रेवरीज कल नंबर्स आए थे, 45.5% मुनाफा बढ़ा है, 580 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। पैकेजिंग क्षेत्र में कल हमने देखा था बड़ा अपमूव बना था, मूलटेक पैकेजिंग में खरीदारी करें, 311 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, 2 रुपये कीमतें बढ़ सकती हैं, 77.30 का टारगेट प्राइस होगा। डिक्सन टेक ने अब फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है, ये अगला ट्रिगर हो सकता है, आज 2713 रुपये का टारगेट प्राइस लेके चलें। कोजिन शिपयार्ड कल एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा था, उसके बाद अब आईसीसी डायरेक्ट ने कवरेज इनिशिएट करी है, टारगेट प्राइस काफ़ी ऊपर के दे रहे हैं वो, आज जो टारगेट प्राइस होगा वो 590 रुपये का होगा। लूमेक्स इंडस्ट्रीज कुछ बाजार के बड़े निवेशक इसमें खरीदारी कर रहे हैं, आज के लिए टारगेट प्राइस 1490 रुपये। धामपुर शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग दो और चीनी स्पेसी कंपनी जिन पर आप नजर रखें, धामपुर शुगर में 311, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 109 रुपये 20 पैसे का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। सिकार लॉजिस्टिक्स पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, 202 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 212 का लक्ष्य लगाकर चलें। हरक्यूल्स होस्ट आज 153 का टारगेट है, 146 का स्टॉप लॉस। शुगर स्टॉक्स अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहे हैं मार्केट में अभी, केसीपी शुगर और साथ साथ धरानी शुगर दोनों ही पोर्टफोलियो में खरीदने लायक स्ट्रक्चर है, खरीदारी करके चलें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। एनआरबी बियरिंग्स आज का ईपीएस शेयर है, आईसीसी डायरेक्ट की रिपोर्ट है, 160 फेयर वैल्यू इसकी समझी जा रही है, लेकिन आज के लिए 134-135 का टारगेट रहेगा, 126 का इंट्राडे के लिए एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। चंबल फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो 154 का लक्ष्य रखें, 147 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। फर्स्ट सॉल्यूशन कल हाई लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, आज फिर से बाइंग इमर्ज हो सकती है, 4750 का टारगेट। ओरिएंट एब्रेसिव्स 3950 का टारगेट, 37 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। एडलवाइस और ब्रोकिंग हाउसेस के तमाम शेयर्स अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं क्योंकि कमोडिटी मार्केट पे गोल्ड ऑप्शंस 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। होतुमा की पीपीएल आज का सुपर हिट शेयर है, 246 का टारगेट लेकर चलें और 230 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। पैकेजिंग स्टॉक्स में बहुत बेहतर कमाई हो रही है अभी। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव जिसमें होंगे आज की बड़ी खबरें और आज के बाजार की तैयारी, छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार नमस्कार।